हमारे पलवल के लोकप्रिय विधायक दीपक मंगला जी की मांग पर पलवल की प्रगति रैली में, जिसमें मुख्यमंत्री जी भी, नितिन गडकरी जी भी हमारे लोकप्रिय मंत्री केंद्र के, और मैं सभी वहां पर उपस्थित था, पलवल को जाम मुक्त करने के लिए इस एलिवेटेड पुल की मांग दीपक मंगला जी ने रखी। और उसी दिन हमारे देश के लोकप्रिय केंद्रीय सड़क और हाईवे मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में इस मांग को स्वीकार किया था, और आज वो 215 करोड़ की लागत से बनकर इस पलवल के एलिवेटेड पुल को बनने के बाद पलवल को जो जाम से मुक्त करने का जो दृढ़ संकल्प हमारे मंगला जी ने, हमने, हमारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर लिया था, आज वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से और माननीय नितिन गडकरी जी की कृपा से आज वो कार्य संपन्न हुआ है। सिर्फ पलवल ही जाम मुक्त नहीं हुआ है, हमारा पूरा इलाका, पूरा फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र आज आवागमन में उसको इतनी बड़ी जो असुविधा थी आज वो समाप्त हो गई है। अब फरीदाबाद बॉर्डर से होडल बॉर्डर जो 2 घंटे 2.5 घंटे में सफर तय होता था, अब 45 मिनट में वो सफर तय होगा। इतनी बड़ी सौगात देने के लिए हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय नितिन गडकरी जी का और अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, अपने लोकसभा क्षेत्र फरीदाबाद की जनता की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत और उनका धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। मित्रों, ये एलिवेटेड पुल ये सिकंदरा में बनना था, लेकिन सिकंदरा में टेक्निकल दिक्कत आने के कारण इसको हमने, जब विभाग हमारे पास था मंगला जी की मांग पर, हमने उसको यहाँ से शिफ्ट करके पलवल ले आए, आगरा से पलवल लेकर के, सिकंदरा में बनना था। इनिशियल वहाँ पर प्रपोज हुआ था जो ये, लेकिन वहाँ टेक्निकल दिक्कत से आ गया, वो सारा पैसा यहाँ ट्रांसफर करके पलवल में शिफ्ट कर दिया। तो आज पलवल को जाम मुक्त किया है, पूरे फरीदाबाद के लोगों को जो दिल्ली, फरीदाबाद, आगरा, मथुरा, कोसी जो इस पे जाने वाले लोग थे, सबको जो बहुत बड़ी असुविधा का पलवल में आधा आधा पौना पौना घंटे जाम में झूमना पड़ता था, आज उससे मुक्ति मिली है। जनता के माध्यम से और अपने माध्यम से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, इस देश के परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करना चाहते हैं कि इतना बड़ा एलिवेटेड पुल जो हमारे इस पलवल और इस एनसीआर की लाइफ लाइन कहा जाने वाला ये पुल तैयार हुआ है। मैं अपनी जनता की ओर से, पार्टी की सभी पदाधिकारियों की ओर से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस रोड के माध्यम से, इस पूरे जो एक सड़कों का जाल हमारे पलवल में बिछा है उसके माध्यम से औद्योगिक क्षेत्र में और एक कनेक्टिविटी के क्षेत्र में बहुत तेज़ी से विकास होने वाला है। पलवल चहुमुखी विकास की ओर आगे बढ़ेगा इस लाइफ लाइन ये जो बनी है पलवल की एलिवेटेड पुल के माध्यम से। क्या कहेंगे गोपुरी टोल को लेकर भी तमाम आवाज़ें उठती आ रही हैं, क्योंकि लोकसभा से पहले कुछ अलग बयान था भाजपा का और आज अलग बयान है। पुल का उसका उद्घाटन है, जो टोल का विषय है वो अलग प्रकार से देखा जाएगा, लेकिन आज हम सब लोग इस रोड के उद्घाटन के, इस एलिवेटेड पुल के इस उद्घाटन में सब लोग आए हैं, इसके लिए हम देश की जनता की ओर से, अपनी ओर से सभी का, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद। देखिए, प्रोजेक्ट तो काफ़ी समय से चल रहा है, लेकिन जो हमारी कंपनी ने इस प्रोजेक्ट ने टेक ओवर लिया, हमने इसको नवंबर 2020 में टेक ओवर लिया। उसके बाद फिर कोविड का टाइम भी रहा, फिर ये अपना NGT का गाइड, अपना NGT का भी बैन रहा, प्लांट वगैरह बंद गए, विभिन्न दो हमने रोड ब्रेक, मतलब उसमें रिकॉर्ड टाइम हमने इसको कम्प्लीट किया है प्रोजेक्ट को। अगर हम बात करें कितनी लंबी दूरी है इसकी और क्या लागत, टोटल 3.25 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर है। कितनी लागत लगी है इसमें? लागत तकरीबन 215 करोड़ की लागत आई है। काफ़ी लंबा समय इसमें लगा, पहले जो कंपनी के पास था उन पर पेनल्टी भी लगती रही और उसके बाद ये फिर से आपके पास आया, तो किस तरह की चैलेंजेस थे इसको पूरा करने? चैलेंजेस बेसिकली तो यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे ट्रैफिक जाम रहता था, वो एक बड़ा चैलेंज था, और उससे पहले शायद फाइनेंशियल क्राइसिस कंपनी का रहा होगा, बट बीइंग ए क्यू हाईवे
इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, नेशनल फेवरों कुछ काम करना है, नेशनल फेवर कुछ काम करना है, तो उस कंडीशन में हमारी कंपनी में फंड वगैरह की चिंता ना करते हुए नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए इसको अपने टेरिकॉट टाइम कंप्लीट करने के लिए हमने पूरे एफर्ट्स लगाए थे। अगर बात करें यहाँ के सौंदर्यकरण की, तो सौंदर्यकरण के लिए इसमें एलिवेटेड के ऊपर क्या क्या ऐसा सौंदर्यकरण किया जाएगा ताकि लोगों को सौंदर्यकरण के लिए, तो हमने थ्रू आउट प्रोजेक्ट में जहाँ भी हमारा शुरू होता है फरीदाबाद से लेकर आगरा एंड तक, हमने मीडियम प्लांटेशन काफ़ी अच्छा किया, जगह जगह हम वॉल पेंटिंग भी करवा रहे हैं और हमारा वेन्यू प्लांटेशन को भी लेकर हमारा अच्छा टारगेट है। जहाँ तक पलवल एलिवेटेड का सवाल है, हमारा टारगेट है जो पलवल एलिवेटेड जितने के नीचे के जितने भी आईलैंड्स हैं उनको हम ब्यूटीफाई करेंगे, और आने वाले टाइम में यहाँ पर जो लाइटिंग्स वगैरह को लेकर भी हमारा नगर निगम के साथ या अपना जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पलवल का, सही हमारी बातचीत चल रही है। लाइक फरीदाबाद जैसे उन्होंने वहाँ पर ट्रैक की लाइट्स वगैरह लगाई हैं हैवी लाइटिंग के ऊपर, वैसे सेम प्रपोजल यहाँ भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। सिमिलरली वॉल पेंटिंग वगैरह स्ट्रक्चर के वो भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। सिमिलरली जो लैंडस्केपिंग वगैरह है वो भी यहाँ पर डेवलप की जाएगी बिलो फ्लाई ओवर आईलैंड्स के साथ, और अलॉन्ग स्ट्रक्चर जितने भी हमारे पास आईलैंड अवेलेबल है वहाँ पर हम लोग डेवलप करेंगे।